इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी लिटिगेशन से बचा जा सकता है और कौन से ऐसे देवता हैं जो काम आते हैं जब आप किसी केस को जीतने की बात करते हैं। कौन से केस? जो प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है। आमतौर पे इस एग्जांपल के साथ आप बाकी केसेस पे भी इसको यूज किया जा सकता है। कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर लिटिगेशन आ रहे हैं या जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो आज जुड़े रहिए इस वीडियो में और आप जानेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे मैंने एक केस सॉल्व किया और कैसे मेरे क्लाइंट ने उस केस को जीता। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब हम किसी बात को समझते हैं कि किसी केस में हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी केस को जीतने की, कुछ देवता फील्ड्स ऐसे हैं जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी केस को जीतने की। सबसे पहला बात ये कि जब भी आप किसी केस को जीतना चाहते हैं, आपको कुछ लोगों का सहयोग लगता है। तो सहयोग के लिए याद रखिए कि आर्यमा देवता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसी बैटल को किस तरीके से जीता जा सकता है, उसके लिए काम आती है सिखी, आपकी नॉलेज। आपके पास अगर वो नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए जिसके पास वो राइट नॉलेज है, वो राइट टूल्स हैं हमारे लिए। उसके बाद काम आता है आपके इमोशंस। कई बार हम बैटल के दौरान अपने इमोशंस को खो देते हैं। जब भी इमोशंस की बात आए, राइट सॉल्यूशंस की बात आए, आपका हमेशा ध्यान जाना चाहिए अपवर्ड्स पे। ये नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी है, कुछ वीडियोस में मैंने इस बारे में काफी बार बताया है। फिर हमारा जो सबसे मेजर रोल होता है कभी किसी बैटल को जो हम जीतते हैं, जैसे इमोशंस का कंट्रोल हो गया, उसके बाद जो एक और मेजर रोल होता है वो है कि हमारा दृढ़ निश्चय और डटे रहना, अपनी स्ट्रेंथ, अंदर की स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को मैंने नाम दिया पुषा देवता का। S2 का एक देवता है जिसे पुषा कहते हैं, जो इंटरनल स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। और एक देवता काम आता है, वो है असुर। असुर क्या वो सामने वाला हम पे हावी तो नहीं पड़ रहा? कोई नेगेटिविटी हमारे केस में किसी दौरान, हमारे फाइट्स के दौरान वो आ तो नहीं रही? तो असुर ये है W6 का देवता। आप स्लाइड्स में इधर या इधर इस चीजों को देखते जाएंगे, इसकी लोकेशंस आप देख सकते हैं। आप चाहें इनको अगर हमारे स्टोर से परचेज करते हैं तो मैं मार्क करवा के दे सकता हूं, कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं हमारे स्टोर्स में। इनके यहां इनके डिप्स, स्प्रिंग्स और स्टड्स या देव कॉइंस जैसे कहते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं इन्हीं देवताओं को जागृत करने के लिए। आज चलिए इसी के अंदर एक छोटी सी केस स्टडी मैं शेयर कर रहा हूं। छोटी सी केस स्टडी है, शब्द को पकड़िएगा, शब्द किसके? क्लाइंट के। और कुछ मैंने जो किया उसको कॉम्बिनेट कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट्स आपके भी दिखने लग जाए। यहां मैंने बहुत ज्यादा कोई देवताओं को उपयोग नहीं किया है, पर समझाने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने प्रॉपर्टी लेने के लिए एक एडवांस बिल्डर को दे रखा था। कुछ प्रॉपर्टी हम भी मार्केट में किसी को बाय करते हैं किसी चीज को, तो सबसे पहले हम एडवांस देते हैं। और बिल्डर ने कहा था कि मैं विदिन 2-3 ईयर्स इसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट्स आप प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के बाद दे दीजिएगा। यही फिनोमेना है, इसी तरीके से पूरी प्रॉपर्टी मार्केट ऑपरेट होती है, जो शब्द मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्होंने, ये जो फैमिली थी जिन्होंने हमें अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे बताया, ये उनकी बातें थी जो मैं कट शॉर्ट में बता रहा हूं, कि सर हमने तो पैसा दे दिया बिल्डर को, बिल्डर का टाइम भी आ गया पोजीशन में, पर जिस हिसाब से उसने सपने दिखाए थे वैसा प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी हमें नहीं दिखा। जैसे एस्केलेटर की प्रोमिसेस हुई थी, फ्रंट एलिवेशन की प्रोमिसेस हुई थी, या किसी भी तरीके से जो भी प्रोमिसेस था वो प्रोमिसेस हुए थे, और टाइम को भी बाउंडेशन माना गया था कि 2-3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो उसमें भी काफी टाइम बिल्डर लगा रहा था। तो उन्हें जो फिनिश गुड्स था, या मान के चलिए वो जो प्रॉपर्टी फिनिशिंग स्टेज में जो आ गई थी, उसको वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो उनका क्लियर कहना था कि शायद या कैसे भी करके अब ये पैसा मुझे बिल्डर से वापस आ जाए। अब उन्होंने 3-4 साल की होल्डिंग भी उन्होंने रखी थी, 2-3 साल 4 साल की रखी होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे ना जाए, तो उन्होंने रखा। तो अब ये केस था कि सर मुझे बिल्डर से पैसा वापस चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो आमतौर पे
हम भी जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैंने भी यही प्रश्न पूछा कि सर अभी तक केस में आपने क्या, आपके क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमने लीगल नोटिस तो दे दी है पर अभी तक बिल्डर का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा आपने फोन लगा के भी बातें करी होगी बहुत सारी बातें, क्योंकि इस तरीके से आज 2-3 साल 4 साल हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी तरफ से कोई बात संवाद नहीं हुआ होगा। तो इन्होंने बताया मैंने बात करी है, उनके बीच में भी कुछ लोग हैं उन्होंने भी बात करी है, इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अब यहां पर उन्होंने जैसे डिसीजन ले लिया था, उन्होंने लीगल नोटिस दे दी थी, तो मुझे ये जो समझ में आया कि पुशा जो है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई एक्शन को करने के लिए एक हिम्मत लगती है, तो पुशा इनका कहीं ना कहीं ऑल राइट था। तो मैंने इनको पूछा कि आपने वकील, मतलब नोटिस दी है तो वकील भी आपने लिया है, तो यहां पर मेरा आरएमआर का क्वेश्चन क्लियर हो गया क्योंकि उन्हें एक वकील मिल गया था। तो मैंने एक चीज पूछी उनसे, छोटी सी चीज है, आप इस चीज को ना महसूस करेंगे जैसे जैसे आप ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप इस चीजों को महसूस करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने अपना जो वकील है, आपने जो वकील रखा है, अपना जो वकील है वो कैसा है? तो उन्होंने कहा वो थोड़े से हेल्दी है, वकील हेल्दी, जब भी मैं उनके यहां जाता हूं भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगे रहती है, और मेरा नंबर 1 से 1.5 घंटे के बीच में आता है। तो यहां अपना सॉफ्टवेयर चल जाता है सीधा सीधा कि ये वो वकील नहीं है जो हमारा काम करा के दे। तो यहां क्या बात हुई, ये राइट सॉल्यूशन के पास अभी तक नहीं पहुंचे थे। तो यहां हमने एक देवता, एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं किस देवता की बात कर रहा हूं, और राइट नॉलेज हमारे पास नहीं था। राइट नॉलेज वो होता है कि लड़ना कैसे है, लड़ना कैसे है। यहां लड़ने का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि डे टू डे लैंग्वेज में इंसान इसी तरीके से बोलता है कि मुझे फाइट करके मेरा पैसा वापस चाहिए। तो मुझे वो राइट नॉलेज होना चाहिए कि मैं कैसे। अब आपको दूसरा देवता दिखने लग जाएगा। खैर, इस स्टोरी को मैं पूरी अच्छे से कंप्लीट कर देता हूं। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने दो जवाब दिया, एक भीड़ लगी रहती है और मेरे को 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ता है। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपके यहां क्लिक करे, जैसे ही ऐसा कोई वर्ड आपके अंदर में आए, आपको ये बातें सुनाई दे, शांति से इस बात को समझ लेना कि उस व्यक्ति को काम करना नहीं आता, काम करना नहीं आता। मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल्स के पास भीड़ लगी रहती है, हम कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जो भीड़ नहीं लगाता, उसके यहां भीड़ लगी होती है, पर उसका एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट टीम होती है जो टाइम अलॉट करते हैं कि सर आपका नंबर 12 से 1 के बीच में है तो आप अपने टाइम अलॉटेड टाइम पे पहुंच जाइए ताकि सर आपसे मीटिंग करें, ना कि आप वेट करो उस व्यक्ति से मिलने का। तो यहां समझ में आ गया कि प्रोफेशनली वो व्यक्ति नहीं। फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा कि सर आप इनके साथ कैसे लिंक हुए, कैसे लिंक? तो बोले जब हमने पहली बार मीटिंग करी थी तो इन्होंने हमसे 1.5 से 2 घंटा बात करी और हमें समझाया कि केस की बारीकियां ये होती हैं, हम इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो मैंने कहा इसी बात को सोच के आपने उसको केस दे दिया? तो बोले हाँ। तो यहां पर भी शांति से एक 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 बातों को ना अपने दिमाग में पिरोते चलो, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं लैंग्वेज बहुत आसान लेके आ गया हूं ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाओ, पर ये बहुत जटिल है जब आप ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को रीड करते हो। एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, जो प्रॉब्लम्स होती है वो 3 तलों की ही प्रॉब्लम है। मतलब एक इंसान सिर्फ 3 तलों पे ही देखा जाता है, या वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है, या वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, या उसे हमें माल बेचना है। इसे हम और आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आप हमेशा एक इंसान को और आगे चल के देवताओं को भी 3 तलों पे ही देखो। क्या उससे लड़ाई करनी है, या लड़ने से बचना है, उस देवता के वार से बचना है, या उस देवता से नॉलेज निकालनी है हमें, या उस देवता के वजह से माल बिकता है हमारा। तो ये छोटा सा ना क्रक्स है, फटाफट फटाफट ग्रैब करते चलो तो आपको वास्तु बहुत आसान लगने लगेगा जो बहुत ज्यादा पेचीदा लगता है। चले अब यहां मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, उन्होंने लंबी लंबी बातें करी और ऐसा मैं समझता हूं जो प्रोफेशनल आदमी होता है, जो अपने लक्ष्य में प्रखार होता है, जिसको लक्ष्य दिखता है और उसको वो छेद देता है, वो व्यक्ति दो ही बातें करता है, एक मेरी फीस इतनी है जमा करा दे, दूसरा तेरे केस को मैं जीत के दिखा दूंगा। ऐसी ही बातें मैंने हमेशा ही सुनी है जो भी व्यक्ति अपने फील्ड में उसके क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा है। कई बार जब मेरे क्लाइंट्स मुझसे बात करते हैं कि सर हम वकील कैसा लें आप बताइए, तो मैं कहता हूं जिसकी तख्ती के बाहर घंटे का रेट लिखा होता है कि मैं पर आर इतना पैसा लूंगा, वही वकील तय करना, बस इतना समझ लेना कि ऑयली स्किन ना होना चाहिए। अब इसे
तत्वों के नॉलेज की वजह से मैं इतना ही शॉर्ट बता रहा हूं, आगे चल के इसे और एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ह्यूमन साइकोलॉजी को आप ग्रैप करने लग जाओ कि अपना काम कौन करेगा और अपना टाइम वेस्ट कौन करेगा। तो पहली बार जब उन्होंने ये बताया कि उसने मुझे काफी सारी बातें बताई तो मुझे समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति के पास इतना समय है कि अपने क्लाइंट को पूरी बातें समझा दे वो व्यक्ति बहुत बहुत बुद्धिजीवी होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब मेरे को जो समझ में आया कि ये राइट सॉल्यूशन इनको नहीं मिल पा रहा है और राइट नॉलेज नहीं मिल पा रहा, हमने आपबत्स के, क्योंकि ये इमोशंस में आके उसे केस दे दिया। इमोशंस उसने कैसे क्रिएट किया, उसने इमोशन क्रिएट किया पूरा समझा के। तो जैसे ही मैंने आपबत्स के टिप मारे, आप मैंने सिक्की को स्ट्रांग किया, इनको राइट डायरेक्शन का राइट ह्यूमन बींग मिल गया, क्योंकि ये वैसे ही उस चीज को सोच रहे थे। और उस व्यक्ति, यकीन मानेगा कि उस व्यक्ति ने एक नोटिस दी है, एक नोटिस विद इन 25 डेज का उसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ था, बिल्डर ने पैसे के साथ साथ ब्याज भी इनका वापस कर दिया। क्योंकि वो जो बात है जब तक वो किताब में लिख के नहीं देगा, उस कागज में लिख के नहीं देगा, मुझे वो बात रेलेवेंस नहीं लगती जो व्यक्ति बोलता भर है। तो ये रहा एक छोटा सा केस स्टडी। इसके माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजों का अचीव कर सकते हैं अगर आपने इमोशनल अपना कंट्रोल रखा और राइट नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन किया। तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप भेद ना पाए, उसके आगे ना निकल पाए। तो चलिए, दिवाली के पावन अवसर पर बहुत सारा प्यार, बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारा धन लाभ हो आप लोगों को। फिर से मिलते हैं, राजा बनना है तन मन धन से। नमस्कार।